ऑल्टरनेट डेज पे एक रीड करो, अब उसको दो बार रीड करो। ओपिनियन में भी थ्री टाइप के होते हैं कि उस पैसेज की थीम क्या है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई विल शो यू हाउ टू रीड एओन एसेज। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे रीड करते हैं और मैं कैसे रीड करती हूँ, मेरे को कितना टाइम लगता है और मेरी क्या ट्रिक्स है जो मैं फॉलो करती हूँ। आई विल शो यू एवरीथिंग इन डिटेल, सो लेट्स गो। सो गाइज, वेन यूर रीडिंग योर आर्टिकल्स, फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। जैसे जो आर्टिकल्स होते हैं ना, वो 2000-3000 वर्ड्स में भी होते हैं, तो आप ऐसे मत करो कि रोज के आप 2-3 रीड कर रहे हो। आप ऑल्टरनेट डेज पे एक रीड करो, एक दिन एडिटोरियल कर लो और एक दिन आर्टिकल कर लो, या रोज का एक अगर आपके टाइम है तो ऐसे कर लो और आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। सो गाइज, अगर आपको एक रीडिंग में ओन आर्टिकल्स नहीं समझ में आ रहे हैं, सो डोंट वरी, आप उसको दो बार रीड करो। एक बार आप सिर्फ ये समझने की कोशिश करो कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसका ओवरव्यू क्या है, और फिर दूसरी रीडिंग जब आप करोगे तब आप उसको डीपली समझो कि उनके वर्ड्स के मीनिंग नोट डाउन करो। तो ऐसे आपकी धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होगी और आप एक ही रीडिंग में सबको समझने लग जाओगे। गाइस, व्हाइल रीडिंग योर आर्टिकल यू शुड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग थिंग। फर्स्ट इज सेंट्रल आइडिया, कि आपको उस पूरे टॉपिक का ओवरऑल आइडिया क्लियर है या नहीं है। सेकंड इज स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, कि आप उसका स्ट्रक्चर समझ में पा रहे हो कि वो पैसेज डिस्क्रिप्टिव है या ओपिनियन बेस्ड है। ओपिनियन में भी थ्री टाइप के होते हैं कि ओपिनियन या तो पहले दिया हुआ है उसको कहते हैं डेक्लरेटिव, आपको बाद में दिया हुआ है उसको कहते हैं डेरिवेटिव। अगर ओपिनियन आपको बीच में दिया हुआ है और आगे पीछे एग्जांपल है और इसी ओपिनियन की तरफ आपको भेज रहे हैं, तो वो है रिएटरेटिव। तो आपको ये स्ट्रक्चर समझने पड़ेंगे ताकि आप अच्छे से उस पैसेज को समझ पाओ। एंड द थर्ड थिंग इज थीम, कि उस पैसेज की थीम क्या है। और नेक्स्ट इज टोन, कि ऑथर की टोन में आपको समझाना चाह रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एंड देयर आर मेनी अदर टोन। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए जब आप आर्टिकल रीड कर चुके हो। गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग योर आर्टिकल। सो लेट्स रीड द स्कॉच ऑफ लुकिज्म। So the meaning of scourge, as I searched on Google, is suffering or trouble. So this article is based on appearance discrimination in the workplace. Let's see कितने words का article है ये। It is 3400 words article. So देखते हैं हमें कितना time लगता है इसको read करने में और कैसे read करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पैराग्राफ। जब भी आप एओन आर्टिकल रीड करो, एक नोटबुक लो साथ में, उसमें साथ साथ सारे पैराग्राफ के जो मेन पॉइंट हैं उसको नोट डाउन करो, पूरे आर्टिकल का ऐसे मैपिंग हो जाएगी। देन यू विल हैव एन ओवरव्यू एट द एंड। और जो वर्ड्स आपको अभी बीच में नहीं समझ में आ रहे हैं, या तो आप उसको साथ साथ सर्च कर लो, लेकिन उसमें अगर आपका फ्लो बिगड़ जाएगा तो आप उसको बाद में भी सर्च कर सकते हो। So as you can see in the left corner of my notebook, I have not down the time when I have started this article. It is 5:25. So देखते हैं हमारा कितना time लगता है इस article को complete करने में। So let me give you an example कि मैं passage कैसे map कर रही हूँ। जैसे कि आप second paragraph पे आए, तो आपका जो इसका important point जो note down करना होगा वो ये रहेगा कि appearance is a genuine qualification for some kind of work. But हमें ये भी doubt में है कि अगर वो count होने चाहिए या नहीं होने चाहिए moral reason की वजह से। तो आप एक line में ऐसे लिख सकते हो कि appearance is qualification or not। और फिर जो third paragraph है race and gender के basis पे आ जाएगा, तो आप उसको एक pointer में लिख सकते हो कि genuine qualification on the basis of race and gender it is justified or not। तो इस टाइप से आप अपनी मैपिंग कर सकते हो। तो इसी तरह से मैंने सारे इसमें जितने भी पैराग्राफ हैं वो रीड कर लिए हैं और इन सबको मैंने अपने पॉइंटर्स में लिख लिया। एंड वी आर फाइनली डन विद आवर 3400 वर्ड्स इन 20 मिनट। It's 5:46 now. Guys, I have read this article. इसमें 30 पैसेज थे, मैंने सारे पैसेज के एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए, मैप कर लिया अच्छे से, और इसको मैंने स्टार्ट किया था 5:25 पे एंड आई हैव डन रीडिंग एट 46, मतलब अराउंड 20 मिनट्स में मैंने पूरा रीड कर लिया 3400 वर्ड्स का पैसेज और इसका मैप भी कर लिया है साथ साथ। इसका सेंट्रल आइडिया और जो स्ट्रक्चर है वो डिकोड करके बताती हूँ मैं आपको। गाइज, दिस पैसेज इज मोर ऑन डिस्क्रिप्शन बेसिस, टोन है इसका वो क्रिटिकल है क्योंकि वो एड्रेस करता है इश्यू ऑफ लुकिज्म इन एम्प्लॉयमेंट। तो एक क्रिटिकल हमारा पैसेज है। द थीम इज बेस्ड ऑन एथिकल एंड सोशल इम्प्लिकेशन ऑफ लुकिज्म। तो हमें ऐसे ही सारे जो आर्टिकल्स हम रीड करते हैं उसकी स्ट्रक्चर हमें क्लियर होना चाहिए, उसका टोन एंड उसकी थीम क्या है। स्टैंडिंग ज्यादा होती है पैसेज की। सो यू कैन मैप द पैसेज इन दिस मैनर। सो गाइस, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पैसेज, कि ये डिस्क्रिप्टिव ज्यादा है क्योंकि ये इम्प्लिकेशंस एंड द रोल ऑफ लुकिज्म इन एम्प्लॉयमेंट सब कुछ डिस्क्राइब करता है। एंड टोन है वो एक क्रिटिकल, क्योंकि ये एग्जामिन करता है क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं लुकिज्म के, तो ये क्रिटिकल हो गया। एंड थीम इज एथिकल एंड सोशल। लाइक दिस वी कैन डिकोड ऑल द थ्री थिंग्स। और अब हम इसके बाद इसकी वोकैबुलरी को सर्च करेंगे एंड देन वील राइट डाउन द वर्ड्स एंड वील लर्न दोज वर्ड्स। तो हम ऐसे ही ओन रीड करते हैं और मेरे को अराउंड 20 मिनट्स लगे इसको रीड करने में। सो गाइज, जो वर्ड मुझे अच्छा लगा है वो है
लाइपोसक्शन ये टाइप की सर्जरी है जो फैट रिड्यूस करने में होती है। तो लुकिज्म में ये वर्ड यूज किया गया ऑब्वियसली क्योंकि जो लोग फैट होते हैं उनको ये सर्जरी करानी चाहिए इस वे में। सो गाइज वी फाइनली डिकोडेड दिस आर्टिकल। इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट इट डाउन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।